राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल मामले में बड़ा बयान दिया है। भाजपा नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने इस मामले में लोगों से सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में प्रयास कर रही है और नतीजे का इंतजार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा बुधवार को हिमाचल दौरे पर थे। इस दौरान वे हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। लोगों को साथ देना चाहिए सरकार का, और पुलिस कोशिश कर रही है, तो देखिए क्या बनता है। जो प्राइम मिनिस्टर का 15-पॉइंट प्रोग्राम है फॉर माइनॉरिटीज, उसके बारे में चर्चा करता है, तो यहाँ जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ केवल 1% माइनॉरिटीज है, तो अब इनसे चर्चा करेंगे उनकी एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हाउसिंग की हो, तो ये एक आम हमारा रूटीन का काम है जिससे हम सभी को मिलते हैं, तो ऐसी कोई खास समस्या हमारे ध्यान में हमीरपुर के बारे में नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन माइनॉरिटी की बहुत कम है यहाँ, और जो माइनॉरिटीज़ भी हैं मोस्टली वो माइनॉरिटीज़ हैं जो भारतीय परंपरा से ही हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो इस्लाम को मानने वाले बहुत कम लोग यहाँ हैं। इसी पे चर्चा करें। एजुकेशन है कि कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के ना रह जाए। राइट टू एजुकेशन में 8वीं तक तो एजुकेशन फ्री है, उसके बाद जो सरकार का स्टाइपेंड स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की तरफ से शुरू होता है, पहले तो पहली से थी, लेकिन फर्स्ट में से 8 तक राइट टू एजुकेशन में भोजन भी फ्री है, किताबें फ्री हैं, फीस कोई नहीं है, यूनिफॉर्म भी फ्री है, इसलिए वो डुप्लीकेसी थी, इसलिए उसको हमने बंद किया है।